या फिर वो बिचौलियों के हाथों लूट जाता था। आप देखिए बीते वर्षों में हमने हर उस वर्ग तक सरकारी सहायता पहुंचाई है जो पहले इससे वंचित थे। हमारी सरकार में कार्मिक श्रमिक ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा मिली है। हमारी सरकार ने छोटे किसान की सहायता के लिए उसे पीएम किसान सम्मान निधि की शक्ति दी है। रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हमने पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण दिलाया है। इस वर्ष का बजट इसी भावना को आगे बढ़ाता है। पहली बार हमारे विश्वकर्मा बहनों भाइयों के लिए भी देश में एक योजना बनी है। विश्वकर्मा यानी हमारे वो साथी जो अपने हाथ के कौशल से हाथ से चलने वाले किसी औजार की मदद से कुछ निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालीगा, शिल्पी, गोरे के लस दवा, बड़गी आदि जो हमारे सब साथी हैं, पीएम विकास योजना से अब ऐसे लाखों परिवारों को उनकी कला, उनके कौशल को और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। साथियों, इस वैश्विक महामारी के समय में राशन पर होने वाले खर्च की चिंता से भी हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को मुक्त रख रखा है। इस योजना पर हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। गांवों में हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के लिए बजट में अभूतपूर्व 70,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे कर्नाटका के अनेक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। भाइयों और बहनों, इस बजट में मिडिल क्लास के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स 0 होने से मिडिल क्लास में बहुत उत्साह है। विशेष रूप से 30 वर्ष से कम के युवा साथी जिनकी नौकरी नई है, बिजनेस नया है, उनके अकाउंट में हर महीने अधिक पैसों की बचत होने वाली है। इतना ही नहीं, जो रिटायर हुए कर्मचारी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए डिपॉजिट की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख यानी दोगुना कर दिया है।